मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है, आपका स्वागत है स्काई मेट वेदर में। अभी भी मौसम की मार रुकी नहीं है और अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हमने देखा कि गंगे पश्चिम बंगाल में और बिहार के दक्षिणी भागों में, झारखंड में, तेलंगाना और जो आप देखिए ये झारखंड है और कोस्टल आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, इन सारे इलाकों में देखने को मिली थी बारिश की गतिविधियां कल। और तापमान काफ़ी हद तक गिर गए थे, खास करके मैक्सिमम टेम्परेचर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और विदर्भ के साथ साथ तेलंगाना, इन सारे इलाकों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई थी। और पिछले जो दिनों में जो बारिश हुई है उसमें अभी जैसे कि हमने देखा कि राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों के में और हरियाणा के कई भागों के साथ साथ पंजाब में फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हिसार में अभी कल हमारे एक मित्र थे जो वहां से आए थे, उन्होंने बताया कि उनके जितने भी खेत हैं वो पूरी तरह से एकदम से एक फसलें लेट गई हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये एक ही ज़िले का नहीं, पूरे भारत के अधिकांश भागों का यही हाल है और जो किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बेमौसम बारिश से। और अब थोड़ी सी राहत है, पिछले दो दिनों से हम देख रहे हैं कि बारिश की गतिविधियाँ कम हुई हैं और अब आप देखेंगे कि यह पूरा जो इलाका है, आप पूरा देखेंगे पूरा उत्तर भारत, मध्य भारत और ये दक्षिण भारत के ज़्यादातर इलाके शुष्क बने हुए हैं, केवल पूर्वी भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में बादल छाए हुए हैं। और अगर वेदर सिस्टम्स पर नज़र डालें तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पश्चिमी वाले क्षेत्रों से आगे बढ़ रहा है और दूसरा जो पश्चिमी विक्षोभ है वो अफगानिस्तान के पीछे है, लेकिन ये 29 तारीख की रात तक ये फिर से पहाड़ों पर पहुंचेगा और 29 तारीख से ही हमें उम्मीद है रात से जो बारिश और स्नोफॉल है एक बार फिर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर शुरू हो जाएगा और बाकी इलाकों में बारिश होगी। ये एक या दो तारीख तक ये जारी रहेगा, मतलब 1 अप्रैल तक यहाँ पर ये कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी देता रहेगा। अभी फिलहाल आज जैसे 27 तारीख है, 27, 28, 29 ये तीन जो दिन है वो पूरी तरह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके और गुजरात, ये सब इलाके शुष्क रहने वाले हैं। और ये एंटी साइक्लोन एक बार फिर बन गया है जो उत्तरी गुजरात और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। जब एंटी साइक्लोन बन जाता है तो सब्सिडेंस होता है, यानी कि हवाएं नीचे की तरफ आती हैं, यानी ऊपर नहीं उठती, ठंडी नहीं होती, बादल नहीं बनते, बारिश नहीं होती, तो मौसम साफ रहता है लेकिन गर्म हो जाता है। तो यहाँ गर्मी बढ़ेगी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश में, इन सारे इलाकों में अब गर्मी बढ़ेगी और मौसमी गतिविधियां नहीं होंगी, बादल नहीं छाएंगे, हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं लेकिन आसमान आमतौर पर साफ बना रहेगा। और 29 तारीख की रात से कुछ बादल वगैरह छाएंगे जो पंजाब में या जो पश्चिमी जिले हैं यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, अमृतसर से लेकर के अबोहर, तरन तारण, फजलिका वगैरह, इन सारे इलाकों में, बठिंडा वगैरह में। और 30 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ पंजाब के साथ साथ उत्तरी राजस्थान और दिल्ली, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो इलाके हैं राजस्थान के, जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जो फिर हो सकता है कि कोटा, बूंदी, बानन, भीलवाड़ा, झालावाड़, इन इलाकों में, अजमेर और जयपुर में भी बारिश की गतिविधियां 30 तारीख से शुरू हो जाएं, 30 तारीख के देर दोपहर या शाम से और 31 तारीख तक जारी रह सकती हैं। और 1 तारीख को हालांकि वेदर एक्टिविटी कम हो जाएगी लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मौसमी गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। और उसी तरह से ये 1 अप्रैल तक पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वेदर थोड़ा सा खराब रहेगा, कुछ इलाकों में तेज बौछारें रहेंगी, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, 1-2 स्थानों पर ओले गिर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि नहीं है क्योंकि वो वेदर सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है। और उत्तर प्रदेश के कई भागों में, यानी कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के आगरा, हाथरस, अलीगढ़ और एटा, बुलंदशहर, शाहजहाँपुर, लखनऊ, कानपुर, औरैया, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं, लेकिन जो गोरखपुर और उसके आसपास के सिद्धार्थनगर, खुशीनगर, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, रायबरेली, इन इलाकों में, चित्रकूट वगैरह में बारिश समझ में आ रही है 30, 31 और 1 तारीख को। और उसी तरह से मध्य प्रदेश के जो कई भाग हैं वो भी 31 तारीख को बारिश देखेंगे और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी जो 1 तारीख तक जारी रह सकती हैं। उसके बारे में फिर भी अपडेट देते रहेंगे। अभी फिलहाल ऐसे ही लग रहा है कि ग्वालियर संभाग से लेकर के गुना, शाजापुर, शिवपुरी से लेकर के जो सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। उसी तरह छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है, विदर्भ के कुछ इलाकों में
और बिहार के दक्षिणी भागों में ज्यादा बारिश होगी, उत्तरी भागों में कम होगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, इन सारे इलाकों में 30 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक बारिश होगी। अभी फिलहाल अगर अभी की बात करें तो पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि दक्षिणी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी उत्तर दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ बारिश हुई है। विदर्भ में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा के कई इलाकों के साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ साथ दक्षिणी केरल में बारिश हुई है। ये जो ट्रफ रेखा आप दो देख रहे हैं, और अब अगले दो दिनों के दौरान यानी कि 28 और 29 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां होंगी गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के इलाकों में देखने को मिलेगी इस ट्रफ के कारण। तो गंगे पश्चिम बंगाल में 24 परगना, डायमंड हार्बर, कोंटई, शांति निकेतन, पुरुलिया, बांकुरा, कलकत्ता, इन इलाकों में बौछारें पड़ सकती हैं, और उसी तरह से उड़ीसा के कई इलाकों में वेदर एक्टिविटी हल्की फुल्की दिखाई दे सकती है। आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु में अब बारिश की गतिविधियां कल से कम होने लग जाएंगी, बहुत हल्की रहेंगी, लेकिन फिर भी बादल वगैरह छा सकते हैं और कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक बार फिर आफत की बारिश 30 तारीख से शुरू होगी जो 1 अप्रैल तक जारी रह सकती है। हालांकि 1 अप्रैल को हमें उम्मीद है कि जो राजस्थान के ज़्यादातर इलाके हैं वो उधर से बारिश हट जाएगी। गुजरात में को इस वेदर एक्टिविटी से कोई खतरा नहीं है। ये जो तीन दिन है जो बारिश मैं बता रहा हूँ 30, 31 और 1 अप्रैल को, वो गुजरात सुरक्षित रहेगा, गुजरात में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। उसी तरह से महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर इलाके साफ रहेंगे। उस दौरान इन इलाकों को बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देने वाली है। हालांकि जो विदर्भ के कुछ इलाके हैं, छत्तीसगढ़ और पूर्वी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, यहाँ पर मौसमी गतिविधियाँ उस समय हो सकती हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अभी फिलहाल अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो सकता है और बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। यानी कि खंड वर्षा कई इलाकों में देखने को मिलेगी, जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में। और इसके बाद जो जब ये वेदर सिस्टम यहाँ पर आएगा तो उस दौरान भी 30 तारीख से 1 तारीख के बीच में पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। और इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको लगातार इसका अपडेट देता रहूंगा स्काई मेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।